भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत चैनपुरा में दमोह से जा रहे ट्रक और बटियागढ़ से आ रहे ऑटो रिक्शा की भिड़ंत होने में करीब 9 यात्री गंभीर रूप से घायल होने पर 108 से दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज CMHO डॉक्टर मुकेश कुमार जैन और सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश राय की मौजूदगी में डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर चक्रेश चौधरी, डॉक्टर सुधीर आर्य, डॉक्टर उमेश तंतुवाय, डॉक्टर विक्रांत चौहान, डॉक्टर राहुल चौधरी, डॉक्टर मनीष संगतानी और टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के बताए अनुसार घायलों में वीरेंद्र सिंह लोधी, दिलीप सिंह जब्बार खान, अच्छेलाल जय सिंह उर्फ दुर्गे सिंह, अविनाशी पाठक हैं और पुष्पेन तिवारी तथा देवकी पति दयाराम कुशवाहा 32 बक्सवाहा को मृत घोषित कर दिया गया। दो घायलों की हालत गंभीर होने पर जबलपुर रेफर किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कलेक्टर श्री कोचर और पुलिस अधीक्षक श्री सोमवंशी भी पहुंचे, जहां मौजूद चौकी प्रभारी प्रशिता कुर्मी और बटियागढ़ पुलिस से जानकारी ली। यहां जिला अस्पताल में ADM मीना मसराम, SDM RL बागरी, SDM पथरिया निकेत चौरसिया, CSP अभिषेक तिवारी, तहसीलदार ग्रामीण रॉबिन जैन, तहसीलदार ब्रजेश पांडे और भी अधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। मैं कहां से कहां आए थे? बड़ा दादा का नाम कहां से आए थे? क्या हो गया? कार्यक्रम के लाने रात गड्ढा माता के। क्या हो गया? तो कार्यक्रम हो संगीत को उते आ रहे थे। क्या हो गया फिर? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर? चैनपुरा के पास। कैसे थे आप लोग? आप लोग कैसे थे? ऑटो अटक पड़ गया। कितने लोग थे ऑटो में? 8 लोग। सबको छोड़ने आई हैं? और सबको आई हैं, जाकर हम वहाँ बचे हैं थोड़े। और बाकी लोग? बाकी लोग अब पूरे घायल हैं। क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र सिंह। बहुत ही दुखद घटना है जो कि बटियागढ़ के पास चैनपुरा है, वहाँ पे ऑटो और ट्रक के बीच भिड़ंत हुई है, जिसमें से जैसे ही सूचना मिली तो कलेक्टर सर और SP सर तत्काल मौके पर पहुँचे हैं और मैं जिला अस्पताल आ चुका था और वहां से सभी लोगों को जो घायल थे तत्काल जिला हॉस्पिटल भेजा गया और यहां डॉक्टर्स की टीम पहले से ही तैयार थी, तो सभी का इलाज चल रहा, जिसमें से जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम जबलपुर भेज रहे हैं। घटना की सूचना मिली थी तो तत्काल मौके पर जिला कलेक्टर महोदय, जिला SP महोदय जो है मौके पर पहुंचे थे। पहुंचते तक जो है वो घायलों को यहां जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। जो मौके पर जो है जो भी उनके द्वारा बारीकी से निरीक्षण किया गया। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।